नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, 22 मार्च को करें जनता कर्फ्यू का पालन। जी हां दोस्तों, भारत में संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। दोस्तों देश में अब तक इसके 173 मामले सामने आ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को दिए अपने 30 मिनट के संबोधन में इसको लेकर सतर्क रहने को कहा है। पीएम मोदी ने अपील की है कि देशवासी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करें। पीएम मोदी ने कहा कि यह मानना कि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गलत है, हमें इससे लड़ने के लिए संयम और संकल्प की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही नारा काम करता है, हम स्वस्थ तो जगत स्वस्थ, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को भी स्वस्थ रख सकेंगे। इसलिए 22 मार्च को देशव्यापी जनता कर्फ्यू का पालन करें, अपने घरों से बाहर न निकलें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल करें। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बुधवार को कश्मीर में फैल रही बीमारी का पहला केस मिला है, जिसके कारण अधिकारियों ने घाटी के बड़े हिस्से को बंद कर दिया है। 5 अगस्त 2019 से पहले ही चल रहे बंद के कारण बाजार और छात्रों को इस लॉकडाउन से खासी परेशानी हो रही है। पत्र में लिखा है कि लोगों को घर से ही काम करने पढ़ने की सलाह दी जा रही है, लेकिन 2G इंटरनेट स्पीड और सीमित फिक्स्ड इंटरनेट लाइन के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। मेरा आग्रह है कि लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए जल्द से जल्द 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यस बैंक तो खुल गया, लेकिन RBI ने लगा दी है कई सारी शर्तें। जी हां दोस्तों, बुधवार शाम से यस बैंक खुल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पर लगी पाबंदी हटा दी है, लेकिन दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि बैंक को कई नियम व शर्तों के साथ ही काम चालू करने की अनुमति मिली है। दोस्तों गुरुवार को RBI ने कहा है कि यस बैंक फिलहाल किसी भी संस्था को लोन नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक अपना बुनियादी काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बैंक को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना RBI से इजाजत लिए कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं किया जाए। किसी भी ऐसे खर्चे के लिए बैंक को RBI से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही बैंक को कहा गया है कि किसी भी मौजूदा लोन को रिन्यू न किया जाए। इससे पहले दोस्तों सोमवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यस बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया था कि उनकी गाड़ी कमाई सुरक्षित है। उन्होंने यस बैंक की पुनर्गठन योजना को विश्वसनीय और टिकाऊ बताया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार का होगा आज फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाथ उठाकर हो वोटिंग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में आज यानी कि 20 मार्च को विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा। कोर्ट का आदेश है कि उसी दिन फ्लोर टेस्ट हो, हाथ उठाकर मतदान हो और उसकी वीडियोग्राफी भी हो। कोर्ट ने कहा है कि 16 विधायक अगर बहुमत परीक्षण में आना चाहते हैं तो कर्नाटक DGP और मध्य प्रदेश DGP सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। मध्य प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल 4 बजे खत्म हुई थी। दोस्तों सुनवाई में स्पीकर के वकील मनु सिग्वी ने दलील दी कि सिर्फ फ्लोर टेस्ट का मंत्र जापा जा रहा है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल की कोशिश हो रही है। दल बदल कानून के तहत 2/3 का पार्टी से अलग होना जरूरी है, अब इससे बचने का नया तरीका निकाला जा रहा है। 16 लोगों के बाहर रहने से सरकार गिर जाएगी, नई सरकार में यह 16 कोई फायदा ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। RBI ने दी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ने देश में तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए अपने विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों में से ज्यादातर को घर से काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय बैंक ने साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि इससे कामकाज बाधित नहीं हो। उधर दोस्तों निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भी संक्रमण को देखते हुए अपने ग्राहकों से शाखाओं में आने से बचने और बैंक सेवाओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप आदि का उपयोग करने को कहा है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के
आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 166 पहुंच गई है, जबकि 4 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। इसमें से ज्यादा संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। दोस्तों, वहां 45 ऐसे मामले सामने आए हैं। केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की संख्या करीब 14,000 है, इनमें से 4,000 मुंबई में ही है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, मौसम समाचार, वेदर अपडेट टुडे। अगले हफ्ते फिर करवट बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओले भी पड़ने की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों, दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम इस समय साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बार फिर मौसम खराब होने के आसार जताए हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 24 मार्च से बारिश की संभावना बन रही है, जबकि कुछ स्थानों पर ओले गिरने के भी आसार हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, अनुमान है कि 26 मार्च तक बारिश जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियां 25 मार्च को चरम पर होगी। बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बादल गरजेंगे और ओले गिरने की भी संभावना है। दोस्तों, 24 मार्च को आने वाला सिस्टम काफी सक्रिय होगा, जिसके चलते हरियाणा के अधिकांश इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम रहे स्थिर, जानिए आज के दाम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, ये लगातार तीसरा दिन है जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला हो। दोस्तों, बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों आज इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गोल्ड प्राइस टुडे, भारी गिरावट के बाद उछला सोना लेकिन चांदी लुढ़की। जी हाँ दोस्तों, सुस्त अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार में भारी गिरावट और फैलते संक्रमण की वजह से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के सराफा बाजार पर इसका असर साफ देखा जा रहा है। दोस्तों, बात करें दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों इनमें बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 39,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जो कि 1,000 कम है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 468 रुपए गिरकर 35,948 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक सभी रेस्तरां बंद, लापरवाही करने वाले होंगे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली के सभी रेस्तरां 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कई अन्य बातों का भी ऐलान किया, साथ ही लोगों से संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरतने की अपील भी की है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एयरटेल ला रहा है 200 प्लान, डीडीएच और मोबाइल डेटा से लेकर एक साथ मिलेगी ब्रॉडबैंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल एक नए प्लान पर काम कर रहा है जिसमें यूजर्स को डीटीएच, ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा सब कुछ एक साथ मिलेगा। दोस्तों, कंपनी की कोशिश है कि अपने ग्राहकों को किसी भी तरीके से जोड़ के रखा जाए। 91 मोबाइल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी मोबाइल डेटा, डीटीएच सर्विस, लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को एक साथ उपलब्ध कराना चाह रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लान 1,000 रुपए से शुरू होकर 2,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान में 75 GB का मोबाइल डेटा, डीटीएच सेवा के साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज का फ्री एक्सेस मिलेगा। 1500 वाले प्लान में 125 GB का मोबाइल डेटा और 500 GB का ब्रॉडबैंड डेटा मिलेगा, साथ में डीटीएच और फ्री स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी मिलेगी। वहीं दोस्तों 2000 वाले प्लान में भी यही बेनिफिट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी घोषणा ऑफिशियली लॉन्च के दौरान दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की
अगली बड़ी खबर का। जियो ने लॉन्च किया बेहद सस्ता रिचार्ज, महीने भर के लिए मिलेगी फ्री कॉलिंग और डेटा भी। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए नए प्लान पेश करता रहता है, लेकिन दोस्तों रिचार्ज करते हुए हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। रिचार्ज कराते वक्त हम सस्ता और ज्यादा बेनिफिट वाला प्लान ढूंढते हैं, तो दोस्तों ऐसे में हम जल्दबाजी में अच्छे प्लान देख नहीं पाते हैं। और अगर हम कम कीमत में कोई एक महीने का प्लान खोज रहे हैं तो जियो ऐसे कई प्लान लेकर आया है। दोस्तों बात करें सबसे पहले 129 रुपए वाले प्लान की, तो दोस्तों इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होती है। इसके अंदर आपको 129 रुपए का रिचार्ज कराना होता है, जिसके अंदर आपको 2 GB का डाटा बेनिफिट मिलता है। साथ ही दोस्तों कॉलिंग के लिए इस प्लान में जियो टू जियो मुफ्त अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। अगर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर कॉल करना चाहता है तो उन्हें 1000 मिनट दिए जाते हैं। इतने ही नहीं दोस्तों, इसमें जियो अपने यूजर्स को जियो एप्स का एक्सेस मुफ्त में दे रहा है, जिसमें जियो सिनेमा, जियो सावन जैसे एप्स मौजूद हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भगवान राम को कितने दिनों का वनवास दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान राम प्रभु श्री राम को कितने वर्षों का वनवास दिया गया था, तो जल्दी से उन वर्षों की संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।